अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट फाइनल। सुपर हीरो बनेंगे रणबीर आलिया, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन। स्टारर ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट आखिरकार अनाउंस कर दी गई है। फिल्म 4 दिसंबर 2020 को रिलीज हो रही है और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस बार अयान को ये तारीख बदलने की अनुमति नहीं है। अयान मुखर्जी के साथ मस्ती करते हुए फिल्म की टीम ने एक वीडियो भी जारी किया जहां रणबीर कपूर अयान मुखर्जी पर चिल्लाते दिखे कि कब से फिल्म पोस्टपोन किए जा रहा है। लेकिन अयान ने भी साफ किया कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और कुछ नया और अलग करने के लिए वक्त तो लगता है। लेकिन आखिरकार वीडियो के अंत में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई। गौरतलब है कि अयान मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र लिखने में 6 साल लग गए और ये सुपर हीरो फिल्म अब जाकर तैयार हुई। फिल्म 15 अगस्त 2019 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब आखिरकार ये क्रिसमस 2020 में रिलीज हो रही है। जानिए फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। डैश रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म में पहला लुक अयान मुखर्जी ने इस फिल्म से रणबीर का पहला लुक शेयर किया है। इस तस्वीर में रणबीर कपूर एक रोशनी के गोले के आगे दिखाई दे रहे हैं। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म में एनिमेशन लुक। इस फिल्म से अयान ने इस सीन का एनिमेशन लुक भी शेयर किया। फिल्म से रणबीर और आलिया के पहले लुक भी इसी तरह शेयर किए गए थे। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म में शिव और ईशा। फिल्म में रणबीर कपूर शिवा और आलिया भट्ट ईशा के किरदार में दिखाई देंगे। उनके नाम सुनकर ही लोगों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर कह डाला। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म में मेलहा के मृत्युंजय। काफी लोगों ने फिल्म का नाम और रणबीर आलिया के किरदारों का नाम सुनकर यह कयास लगा लिया है कि फिल्म अमिश त्रिपाठी की किताब मेलहा के मृत्युंजय पर बनी हो सकती है। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म नागा ट्रायलॉजी। माना जा रहा है कि फिल्म अमिश त्रिपाठी की नागा ट्रायलॉजी पर बनी हो सकती है। इसका कारण है कि वो 3 किताबें भी माइथोलॉजी पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी एक माइथोलॉजी है जिसे 3 भाग में बनाया जा रहा है। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्में लीक हो चुके हैं लोक। पहले भी फिल्म की शूटिंग से रणबीर और आलिया की ये तस्वीरें लीक हो चुकी है। दोनों कोई स्टंट करते नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्में बेहतरीन लोकेशन पर शूटिंग। फिल्म की शूटिंग काफी समय से चल रही है और फिल्म की ज्यादातर शूटिंग विदेश में हो चुकी है।